अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन में जो अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था, आज उसके आगे पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने अनुपातिक पदों को लगभग सॉल्व करना और बदलना हम लोगों ने सीख लिया था कि किसी तरह भिन्नों के अनुपात को, दशमलव के अनुपात को, अन्य अनुपातों का जो संबंध था उसे प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने डायरेक्ट लगाना सीख लिया था। फिर एक क्वेश्चन था कि मिश्र अनुपात निकालना हो, जैसे कि दे दिया कि दो अनुपात तीन का माँ, चार अनुपात एक का माँ, पाँच अनुपात तीन अनुपात पाँच को मिश्रित अनुपात, मिश्रित जितना भी दे मिश्रित अनुपात में लिखना हो। तो मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है? सीधा दो बटे तीन बुढ़े चार बटे एक बुढ़े तीन बटे पाँच, तीन तीन से कट गया, ऊपर बड़ा ऊपर करेंगे चार दुनी आठ बटे पाँच, मतलब आठ अनुपात पाँच। इसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मिश्रित अनुपात में बदलना कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो साथी नहीं जुड़े हैं वो भी आके जुड़ जाएँ और वो भी आपके साथ पढ़े। ठीक, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम देखते हैं इसी पैटर्न को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। और आगे हम पढ़ते हैं तो हम ये जैसे अगर एक और हम देखते हैं आपको पाँच अनुपात दो, छः अनुपात पाँच, चार अनुपात तीन, तीन अनुपात सात का मिश्रित अनुपात में बदलेंगे। इसको मिश्रित अनुपात में बदलना काफ़ी आसान है। पाँच अनुपात दो का छः अनुपात पाँच का छः अनुपात तीन का तीन अनुपात सात को मिश्रित अनुपात में बदलना। तो मिश्रित अनुपात बदलना भी बहुत ही आसान है। वो कैसे लगेगा देखते हैं हम लोग। कि हो जाएगा पाँच बट्टे दो गुड़े छः बट्टे पाँच गुड़े चार बट्टे तीन गुड़े तीन बट्टे सात। ये कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। ये पाँच पाँच से कट रहा है, तीन तीन से कट रहा है, दो एक के दे दो दूनी चार, ऊपर सब एक एक बचा, ऊपर बचा छः गुड़े दो, नीचे बचा सात गुड़े एक, हो जाएगा बारह बट्टे सात, मतलब बारह अनुपात सात। ये उसका मिश्रित अनुपात हो गया। क्या हो गया? मिश्रित अनुपात हो गया। ठीक, आगे बढ़े। इसी आधार पर हम लोग को क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है। इसी तरह कोई भी मिश्रित अनुपात का क्वेश्चन आता है आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आप उसे लगाइएगा, फिर इसके बाद हम नए पैटर्न की तरफ अग्रसर होंगे या नए पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा क्या करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करिए ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरा मोटो भी आपको पढ़ाना है, तो आप आंसर देते रहिएगा, हम आपको देखते रहेंगे और नीचे से टाइप होता रहेगा। एक तो एक क्वेश्चन है 18 अनुपात 17 का मान 6 अनुपात 6 अनुपात 17 का मान 12 अनुपात 3 को मिश्रित अनुपात में व्यक्त करिए। अब इसे मिश्रित अनुपात में व्यक्त करिएगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपका उत्तर का इंतजार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुपात को किस तरह से अनुपातिक पदों में अनुपातिक योग को लिखा जाता है। जैसे कभी कभी दो मजदूरों की इनकम दे दिया जाए फिर उनसे अनुपात पदों में व्यक्त करवाया जाए तो कैसे क्वेश्चन लगते हैं। अगर इस बेसिक को समझ लेंगे तो काफ़ी अध्याय आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात कितना है? जितना क्या उतना लिख दिया। चलिए चार अनुपात तीन, तथा उनकी दैनिक उन दोनों की कुल मजदूरी, आय का अनुपात चार अनुपात तीन है तथा उनकी कुल मासिक आय, उनकी कुल मासिक आय 4942 रुपया है, 4942 रुपया है। तो ए और बी की आय क्रमशः क्या है? ठीक, क्वेश्चन क्या किया हमने, ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है, यदि उनकी मासिक आय 4942 रुपया है, 4942 रुपया है, तो ए और बी का अलग अलग हिस्सा क्या है? इसको देखिए बहुत आसानी से लगाएंगे, इस बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ ए बी सी तीनों कहता तो भी हम लोग आसानी से लगा सकते थे। ठीक, तो कैसे लगाते, अगर तीन कहता या दो कहता तो कैसे लगाते? सबसे पहले हम लोग करेंगे सम ऑफ द रेशियो माने अनुपाती योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अनुपाती योग। ध्यान रहेगा जब किसी अनुपात का टोटल पद दिया होगा सबसे पहले हम अनुपाती योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो ये पैसा है ये दोनों का मिला जुला है। कितना है? ए और बी, अगर सी होते ए बी सी का होता, चार लोग होते ए बी सी डी का होता, माने संयुक्त रूप से ये दोनों का मिला धन है, जबकि दोनों का अलग अलग अनुपात है। तो सबसे पहले हम अनुपाती योग निकालेंगे। तो आप लिखिएगा अनुपाती योग, अनुपाती योग बराबर
चार प्लस तीन बराबर सात, तो ये अनुपातियो कितना आ गया, सात, सम ऑफ द रेशियो सात आ गया। अब क्या करेंगे, कुल अमाउंट में या कुल धन में या कुल योग में अनुपाती योग से भाग देंगे, 4942 में सात से हम भाग देंगे गुणे। यदि आपको एक का हिस्सा निकालना हुआ, एक हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणे एक, क्योंकि एक का हिस्सा चार और बी का हिस्सा तीन। अब जो प्राप्त होगा ये होगा एक का हिस्सा, कैसे, सात से भाग देंगे, सात सत्य 49, 0, 7 6 42, अभी आपका हो जाएगा 706 × 4, गुणा करते हैं 6 4 24, 7 4 2824 रुपया। अगर बी का हिस्सा पूछ देता तब 4942 बटे 7 गुणे बी का अनुपात कितना, 3 × 3, इसको काटेंगे तो 706 आएगा, बराबर 706 × 3 हो जाएगा, 3 6 18, 2118 रुपया, माने बी का हिस्सा 2118 और ए का हिस्सा 2824 रुपया होगा। ठीक, समझ आ गया, हमें यहाँ लिख लेते ताकि भी आपको पढ़ाने में आसानी भी होगी। ए का हिस्सा 2824, बी का हिस्सा 2118 रुपया, और दोनों को ए प्लस बी का मिला के 4942 रुपया। ठीक, ये इसी तरीके में और सॉल्व बनाएंगे, आपको मजा आएगा लगाने में, इस समझ गए आपको। अगर दोनों का अंतर पूछ देता कि दोनों के आयु का अंतर क्या है, तो एक तरीका क्या था, हम लोगों ने आय निकाल लिया या 2824 में से घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। इसका एक तरीका और है, इन दोनों अनुपातों का अंतर निकाल के क्या करेंगे, अनुपातों का अंतर निकाल लेते और क्या करते कुल योग में से 4942/7 अनुपातों के अंतर से अगर गुणा कर देंगे तो उसके क्या होगा, उनके रुपए का भी अंतर निकल जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 706, कितना हो जाएगा 706 रुपया का अंतर, घटाएंगे भी तो कितना आएगा आपका 706 रुपए का ये अंतर आएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के बोलते हैं ताकि आपको लगाने में और समझने भी काफी मजा आए। चलिए लिखिएगा, इसको मिटा दे, इसके शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे सवाल बोल लेते तब मिटाते हैं। ठीक, अब इसकी स्क्रीन शॉर्ट रख लीजिएगा, स्क्रीन शॉर्ट रख लीजिएगा और शेयर कर दी, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़े हैं, शेयर कर देंगे आपके लिए बेहतर है, वरना आप तो पढ़ ही रहे हैं, और खास करिए देखिए टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात या उनके मजदूरी का अनुपात 4:3 है। ए और बी के मजदूरी का अनुपात 4:3 है। यदि ए की मजदूरी, यदि ए की मजदूरी 2824 रुपया है, 2824 रुपया है, तो बी की मजदूरी क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ए और बी के मजदूरियों का अनुपात 4:3 है। यदि एक मजदूरी 2824 रुपया है, 2824 रुपया है, तो बी की मजदूरी क्या होगी। इसको लगाते रहिए, हम तब तक आपको बता रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करते रहिए और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि जिसे क्योंकि डीएलएड के लिए अंत काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो डीएलएड सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सेमेस्टर के हों, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जिनको मैथ कमज़ोर है उनको भी, ताकि बैक ना आने पाए। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बैक आता है मैथ में ही आता है, तो आप शेयर कर दीजिए, वैसे भी कोई फालतू मैसेज आता है, हम लोग हर ग्रुप में शेयर करते हैं, इसको भी शेयर कर दीजिए, शेयर करने में तो पैसा नहीं लगता ना। चलिए, हमने क्वेश्चन क्या किया, ए और बी दोनों के मजदूरियों का अनुपात, ए और बी की मजदूरियों का अनुपात 4:3 है, कितना है 4:3 है। अब कह रहा है यदि ए का हिस्सा कितना हो 2824, तो बी का हिस्सा माना यक्ष, इसे देख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर 4:3, भैया ए और बी का अनुपात 4:3। अब कह रहा है ए का हिस्सा 2824, बी का हिस्सा यक्ष, एक अब यहाँ ए बी को हटा दिया हमने, अब सीधा सीधा हो गया ए अनुपात बी बटा ए अनुपात बी दोनों का हिस्सों का अनुपात, या तो यहाँ पर त्रिया का गुणा कर लें, 4×x = 4x, 3×2824 एक तरीका, या तो एक चार से काट के तभी चार से, अभी x बराबर 3×2824 बटे क्या करेंगे चार, तो काटेंगे 4 7 28 0, 4 6 24 704, यक्ष बराबर 3×706, यक्ष बराबर 2118।
समय पर कुछ भी नहीं, क्या आसान है, एकदम आसान है। यहीं भी काट देते तो भी लग जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी चार से काटते, चार सत्ते अट्ठाईस, जीरो चार जो भी त्रिया गुणा कर देते तो यक्ष बराबर तीन गुणे सात सौ छः, एक ही लाइन में आ जाता है 2118। लेकिन आपको समझाना था इसलिए क्या किया हमने, बड़ा लगाया, क्योंकि गुणे में जब होता है अंश अंश से हर हर से कट जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन हम और आपको यही क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप उसे लगा लीजिए। अगर आप लगा लेंगे कहीं ना कहीं इस टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। यही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि ए और बी के आय का अनुपात, यदि ए और बी के आय का अनुपात चार अनुपात तीन है, यदि बी का हिस्सा, यदि बी का हिस्सा 2118 रुपया हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। मुझे पता है कि आपको उत्तर पता है, लेकिन फिर भी मैं लगाने का प्रोसेस आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि लगाने का जो प्रोसेस है वो आप समझ सके, वही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लगाते रहिएगा तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तीन व्यक्ति ले लेते हैं, फिर तीन व्यक्ति को सॉल्व करते हैं, फिर चार व्यक्ति लेते हैं, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट आप एकदम पूरी तरह से क्लियर रहे। लिखिएगा ए बी सी क्रमशः ए अनुपात ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के आयु का अनुपात, ए बी सी के आयु का अनुपात कितना लिखे, जितना आप लोग कह दें। क्लासेज अभी क्या वजह से, आठ बजे से, सात बजे से है ना, सात और आठ, छः सात आठ लगातार है, तो वही लिख देते हैं। छः अनुपात आठ अनुपात सात, चार ही बजे का लिखते हैं, छः अनुपात आठ अनुपात सात। ठीक, अब यदि क्वेश्चन क्या लिखा, ए बी सी के आई का अनुपात छः अनुपात आठ अनुपात सात तथा इनकी कुल आय या कुल आमदनी, इनकी कुल आय या कुल आमदनी लिख लीजिएगा 4,444 रुपया हो तो, 44,184 रुपया हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, या ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, या सी का हिस्सा ज्ञात, किसी का पूछ देता तो कैसे लगाएंगे। इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकता था, राम श्याम मोहन के आय का अनुपात 6:8:7 है, यदि इनकी कुल आय 44,184 रुपया हो तो राम की आय क्या है, श्याम की आय क्या है, मोहन की आय क्या है, या तो राम और मोहन की आय का अंतर क्या है, या ए और सी की आय का अंतर क्या है, कुछ भी आपरेथिन कुछ हो सकता था। तो बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो अनुपाती योग ज्ञात करेंगे। ठीक, 44,184 सम ऑफ द रेशियो अनुपाती योग ज्ञात करेंगे, 6+8+7 8 6 14 7 21 अनुपात योग निकल गया 21। अब इसी 21 से कुल धन में सदैव अनुपाती योग से भाग देंगे, कुल धन में सदैव अनुपाती योग से भाग देंगे। अनुपाती योग कितना है, 44,184/21 गुणे, अगर ए का हिस्सा पूछा है तो गुणे 6, बी का हिस्सा पूछता तो गुणे 8, सी का हिस्सा पूछता तो गुणे 7, माने जिसका हिस्सा पूछेगा उसी से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, एकदम आसानी से, आप पता भी नहीं चलेगा। ठीक, अगर तीनों के हिस्सा अलग अलग निकालना है अलग अलग निकाल दीजिए, उत्तर नहीं बताएंगे क्योंकि काटने की जिम्मेदारी आपकी, तभी तो सीखेंगे, सीखना तो आपको है, क्योंकि मैं अगर सारे क्वेश्चन लगा दूंगा तो आपको पढ़ने से क्या फायदा। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, अगर ऑनलाइन क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी टेट सी टेट सुपर टेट की, तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, कहीं ना कहीं कोचिंग करने जाएंगे। यदि आपको लगता है कि दुर्गे सर का बेहतर प्लेटफॉर्म बेहतर फैकल्टी है, आपका मोस्ट वेलकम है, और नोट्स भी हमारे यहाँ प्रॉपर उपलब्ध है, 6306344337 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सी टेट यूपी टेट सुपर टेट नोट्स ऑनलाइन क्लास सब उपलब्ध है। और अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टेट सी टेट सुपर टेट तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक अंतिम रूप से चयनित ना हो जाए, मतलब एक बार फीस अगर आप पे करेंगे तो अंतिम तक पढ़ते रहेंगे जब तक आप अध्यापक ना बन जाए। ठीक, तो इसको देखिए क्या करेंगे, एक बार ये निकल गया ए का हिस्सा, अगर हिस्सा बी का निकालना है तब, या राम श्याम का निकालना है, तो सेम कंडीशन 44,184/21 गुणे कितना करेंगे 8, फिर सी का हिस्सा निकालना सेम कंडीशन 44,184/21 गुणे सी का हिस्सा के लिए
गुड़े सात। अब आप लोग तो सीख गए। अगर कह दिया ए और सी का अंतर क्या होगा तब, तब हम तो कहेंगे भैया ए और सी का अगर अंतर पूछेगा तो हम पहले तो ए और सी का मान निकाल के तब घटाएंगे। कुछ मत करिए, केवल अनुपात का अंतर घटा दीजिए, उसी से गुणा कर दीजिए। कैसे? देखिए, अगर ए और सी का अंतर पूछ दिया तो कुल धन कितना है 44,184 रुपया पूरे के बट्टा 21 गुणे अंतर कितना आएगा अनुपातों का अंतर ए और सी का, एक ए और बी का पूछता दो, ए और सी का पूछा है गुणे एक, ए और बी का पूछता, ए और बी का पूछता तो दोनों का अंतर दो, बी और सी का पूछता अंतर एक, मतलब जितना अंतर अनुपात का उतने से गुणा कर देंगे। अब काटिए, ये काटने के लिए हमें ना कही जब एक तो काट दे रहे हैं, 21 से काटेंगे कितना हो जाएगा 21 फिर जीरो 21 84, ये हो जाएगा आपका 2104 × 6, ये हो जाएगा 2104 × 8, ये हो जाएगा 2104 × 7। ठीक, इसे आप लगा लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर कोई दिक्कत आती है फिर आप हमें बताइए। किसी तरह अगर अनुपात आता है अनुपात योग निकाल कर फिर हम इसे आसानी से लगा सकते हैं, एकदम आसान है। फिर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर तीन लोग का है, तीन लोग का, चार लोग का, मतलब जितने लोग का देगा उतने लोग का हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसे किसी का अननोन कर देगा तो भी हम आसानी से ज्ञात। अभी और तरह के प्रश्न, ऐसा नहीं कि ये अभी तक प्रश्न है, सिक्को पदार्थ प्रश्न है, और तरह के प्रश्न है, तो हम सभी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न हम आपको देते देते जा रहे हैं, उसे आप सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, लिखने के बाद हम आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक, और ऑनलाइन क्लास के लिए नंबर लिखा, अगर आपको कहीं ना कहीं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर कहीं ना कहीं तो कोचिंग ज्वाइन ही करेंगे, यदि आपको लगता है कि दुर्गेश सर क्या बेहतर का मोस्ट वेलकम। लिखिएगा, राम श्याम मोहन के उम्र का अनुपात राम श्याम मोहन के उम्र का अनुपात 3:1:5 है। 3:1:5 है। यदि तीनों के उम्रों का योग, योग 108 हो तो 108 हो तो राम श्याम मोहन तीनों की आयु अलग अलग क्या होगी। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, राम श्याम मोहन के आयु का अनुपात 3:1:5 है। यदि तीनों के आयु का योग 108 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी, श्याम की आयु क्या होगी, मोहन की आयु क्या होगी, या राम और मोहन की आयु में अंतर क्या होगा, राम और श्याम की आयु का अंतर क्या होगा, या श्याम और मोहन की आयु का अंतर क्या होगा। जिसको भी जो समझ में आए एक लॉजिक समझ लीजिएगा, कुल अनुपाती योग से कुल पदों में भाग दीजिएगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसके हिस्से से गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते वीडियो बेहतर पसंद आएगा, इसका अगला वीडियो कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनट बाद आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि वीडियो दो में रहेगा तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा, तब जुड़े रहिएगा। शायद 10 से 12 मिनट बाद मिल जाएगा, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता YouTube द्वारा, तो आप सर्च कर लिया करें जाके YouTube पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे, और फेसबुक पेज पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को, साथियों को बता दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएँ, और आप लगातार पढ़ते रहिए। इस बार आपको बेहतर करना है और पहले से ज़्यादा अंक अर्जित करना है, और अध्यापक बनने का सपना जल्दी साकार करना। इसी के साथ आप सभी साथियों को धन्यवाद, इंतजार करते रहिए, अगला वक्त तुरंत कुछ देर में आपके पास आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।